एक बार फिर अरविंद गेंदबाजी करेंगे गोपाल के लिए, उठा के मारा है बाउंड्री लाइन से बाहर, गोपाल का छक्का, ये नहीं सही राम जी की तरफ से घोषणा हुई थी कंपाउंडर साहब की तरफ से, 100 रुपए का इनाम गोपाल को मिलेगा। अरविंद की गेंद पर छक्का जड़ा है, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर अरविंद, गोपाल ने उठा करके मारा है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। लगातार छक्के पर छक्के जड़ रहे दोनों बल्लेबाज राकेश और गोपाल। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो रणनीति मैंने देखी थी, पटवारी साहब ने 20 फील्डिंग की थी, शायद वो चाह रहे थे कि राकेश स्ट्राइक पर नहीं आए, लेकिन गोपाल भी सरदार बन रहे हैं, तीसरा छक्का जड़ चुके हैं मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अरविंद की गेंदबाजी कमजोर गेंद पर लगातार प्रहार कर रहे हैं गोपाल। यदि गोपाल 6 छक्के लगाते हैं तो 2100 रुपए का इनाम हबूराम पवार की तरफ से। चौथी गेंद गोपाल के लिए, उठा करके मारा है उस तरफ, ओ यह भी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। लगातार 4 छक्के जड़ चुके हैं गोपाल पवार, हबूराम की घोषणा हो चुकी है, यदि आप अगली 2 गेंदों पर छक्के लगाते हैं तो आपको 2100 रुपए का इनाम मिलेगा। गोपाल अरविंद गेंदबाजी करेंगे गोपाल के लिए, ओवर की 5वीं गेंद, उठा करके मारा है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। जिस प्रकार से इनको रसल कहते हैं, वाकई में उन्होंने कर दिखाया है, आंद्र रसल की तरह बैटिंग कर रहे हैं। लगातार 5 छक्के जड़ चुके हैं, अगली गेंद अंतिम गेंद उठा करके मारा है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्ड करके थ्रो करे तब तक 1 रन, ये पारी समाप्त हुई। इस ओवर में 5 छक्के जड़े थे, हापूराम की धड़कनें तेज हो चुकी थी। स्कोर बता भाई,